हाय गाइस, विश यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. दिस मी आयुष जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे द हिंदू का एनालिसिस देखते हैं, और उसी को लेकर आज फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. देखिए, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट इशूज़ जो है मार्केट में देखने को मिल रहे हैं हमें न्यूज़पेपर में, और उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस. तो सबसे पहले न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है रिकवरी रेट राइजेस टू 25% सेज गवर्नमेंट. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अभी एट प्रेजेंट लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं, COVID-19 को फेस कर रहे हैं, उससे लड़ने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं. गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिजॉल्व द मैटर, बट हेयर वॉट इट इज़ रिकवरी. इसी दौर में, इसी सीरीज़ में गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि रिकवरी की जो रेट है वो 25% तक बढ़ गई है. मतलब हमने जो रिकवर करने की जो दर है, जो रिकवर करने की वाले लोगों की संख्या है, वो 25% तक बढ़ चुकी है. ठीक है, अब किस हद तक ये सही है. और इसी के अंदर बताया कि फर्टिलिटी जो रेट है वो 33.2% तक बढ़ गई है, उसे टच कर रही है. और इसके अंदर 65% मेल है, 35% फीमेल पेशेंट्स हैं, है ना. ये एक एवरेज है जो कि पिछले दिनों से डबल स्ट्रेंड्स में देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो ये 11% था पहले, और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 25%, मतलब डबल के करीब अप्रॉक्सीमेटली जो है सुधार आया है इस क्षेत्र में. देखते हैं किस हद तक ये रिपोर्ट सही है और किस हद तक ये रिपोर्ट वर्क करती है. इट इज़ ऑल अबाउट कि आने वाले टाइम में कितने केसेस राइज अप करते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज़ मार्च कोर सेक्टर आउटपुट स्लम 6.5%. मार्च के अंदर जो है कोर सेक्टर की बात कही है यहाँ पे. आउटपुट एट इंडियाज कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड बाय 6.5% इन मार्च. कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा शो रिफ्लेक्टिंग द अर्ली इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक एंड द सब्सिक्वेंट नेशन वाइड लॉकडाउन. पूरे नेशन में जहाँ लॉकडाउन की कंडीशन है, वहाँ पे जो कोर सेक्टर्स हैं उसका आउटपुट 6.5% तक जो है शापन हुआ है. अब देखते हैं कि ये भी रिकॉर्ड किस हद तक, देखिए बिल्कुल माइनस के अंदर जाना, मतलब डाउनवर्ड्स जाना, तो वो तो एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, बिकॉज हमें पता है कि हम इकोनॉमिकली जो है स्लो डाउन होते चले जा रहे हैं, है ना. सो लेट्स सी क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पार्लियामेंट प्रोजेक्ट गेट्स नोड पैनल नोड. अब आपको बता दूं कि एक नया जो है ऐसा बिल पास किया गया था जिसके अंदर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जो बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात कही गई थी, और इस पर काफ़ी टाइम से पार्लियामेंट में डिसीजन चल भी रहा था. तो अब फाइनली उसको जो है उसके ऊपर प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई है. उसके ऊपर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी और मीटिंग रखी गई थी, और जिसमें मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि मेंबर्स द्वारा कि भाई इस प्रोजेक्ट को जो है पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए. द कमेटी विच इज़ चेयर्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD की जो CPWD चेयर्ड हैं, और वो जिस कमेटी को चेयर्ड कर रही है या ऑर्गेनाइज कर रही है, एडिशनल डायरेक्टर जो है वो जनरल जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है वो अनंत कुमार जी हैं. इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है एक कॉन्फ्रेंस रखी थी. नन ऑफ द नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स वॉज इन अटेंडेंस. उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कोई भी नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स या इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानिंग का कोई मेंबर अवेलेबल नहीं था, है ना. तो ये इसके बारे में बताया गया है, जिसके अंदर इस न्यूज़ के तहत कमेटी ने ऐसा कहा है कि डिज़ाइन जो है उसे अभी जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट की उसे सिंक करते हुए डिज़ाइन करना चाहिए न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग को. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट की, देखिए इस दौर में जहाँ हम लोग ऐसे टाइम में गुजर रहे हैं जहाँ पे एट प्रेजेंट हमारे पास में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, है ना.
कोविड-19 से जो पेंडेमिक से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बीच में कुछ अच्छा इनोवेटिव करना इज़ अ गुड थिंग, बट हेयर वी हैव टू कंसिडर कि आने वाले टाइम में हमें इस प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करना है और कैसे रिलेवेंटली जो है इसको, इस एक्सपोजर को लेके जाना है, बिकॉज ये दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम टू टेक ऑल दीज डिसीजंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आइकॉन ऑफ रोमांस टॉक्स इन अ फाइनल ब्लू। अभी आपको फाइनल ब्लू, दिस इज़ द न्यूज़ रिगार्डिंग ऋषि कपूर। आपको बता दूँ कि ल्यूकेमिया से 2 साल तक जंग लड़ते हुए फाइनली मुंबई हॉस्पिटल में जो है ऋषि कपूर ने अपना दम तोड़ दिया है, और बिल्कुल रोमांस के एक, हम कह सकते हैं, आइकन माने जाते थे ये, और अपने आप में एक बहुत लेजेंडरी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने आप को बहुत डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया है फिल्म इंडस्ट्री में, और फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेनोवेशन, या हम कह सकते हैं एक बिल्कुल बदलाव लाने का, उलट जो है परिस्थितियां, या हम कह सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर दिया गया था इनके दौर के एक्टर्स के द्वारा, है ना। और इसी बीच में इनका चले जाना सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इवन जो अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन जी जो कि अनादर लेजेंडरी पर्सनालिटी है फिल्म इंडस्ट्री के, उन्हें, उनका भी ये कहना है, उनका भी स्टेटमेंट आया कि फाइनली टुडे आई ब्रोक डाउन, मतलब मैं बिल्कुल टूट गया हूँ, ब्रोकन, आई एम टोटली ब्रोकन, एंड लेट्स सी, डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं और देखने को मिल रहे हैं। हम सभी लोग बिल्कुल इंडिया में, पहले हमारे सामने इरफान खान सर का जो है डेथ की रिपोर्ट आना, उसके बाद में ऋषि कपूर सर की, तो ये बिल्कुल लॉकडाउन के दौर में ऑलरेडी जिस समय हम एक पेंडेमिक से रिलेटेड एक बहुत टेंस्ड सिचुएशन से क्रॉस आउट हो रहे हैं, उसी में इस तरह की जो न्यूज़ है वो हमें और भी ज़्यादा हिला कर रख देती है। सो इट इज़ अ बैड न्यूज़ ऑफ द डे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। दिस इज़ गवर्नर्स रूल इन बीटेड मे इम्पैक्ट असम अलायंस गवर्नमेंट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नर रूल इम्पोज किया जाने की बात कही जा रही है यहाँ पे। बीटेड, बोडो जो लैंड आता है, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उसे बीटेड कहा गया है। वहाँ पे जो है अगर गवर्नमेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाए, गवर्नर के रूल को इम्पोज कर दिया जाता है, तो वहाँ पे असम अलायंस जो गवर्नमेंट है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, उसका प्रभाव, उसकी छवि पर प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि असम के जो है, असम के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट है किसकी, बीजेपी की, बीजेपी सरकार कार्य कर रही है वहाँ पे गठबंधन के तौर पे। तो अगर बोडोलैंड के अंदर गवर्नर का रूल होता है, इम्पोज किया जाता है, तो बोडोलैंड के क्षेत्र में, बीटेड के क्षेत्र में, मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है, उस एरिया के अंदर 7 ऐसे हैं जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं जो असम से बिलोंग करते हैं, वो उस क्षेत्र में आते हैं। तो उन असम अलायंस गवर्नमेंट जो एरिया है, या असम अलायंस गवर्नमेंट जो है, उसके ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा यदि वहाँ गवर्नर का रूल इम्पोज कर दिया जाता है तो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बीजेपी एली अनहैप्पी ओवर अ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल्स टर्म्स। तो बिल्कुल काउंसिल की टर्म के बेसिस पे जो नॉन एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है, उससे बीजेपी इस जो है इस डिसीजन से बिल्कुल भी, हम कह सकते हैं कि बीजेपी इज़ नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, बिकॉज ऑब्वियसली, ऑब्वियस ही बात है कि जहाँ पे सरकार बीजेपी की है उस क्षेत्र में यदि गवर्नर का रूल इम्पोज हो जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ की रूलिंग पार्टी पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमने बात की है वहाँ की। ठीक है, एक न्यूज़ देखिए, ऑर्डिनेंस ऑन सैलरी गेट्स गवर्नर्स नोट। हाई कोर्ट हैड स्टेड डिसीजन टू डिफर 6 डे सैलरी ऑफ केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिस डिसीजन पे अभी काफ़ी टाइम से, मैं आपको बता देती हूँ, एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था केरला में, जिसके अंदर कभी 1 मंथ सैलरी जो है देने की बात हो रही थी, कभी 6 मंथ्स की, सॉरी 6 डेज की सैलरी, कभी 15 डेज की, इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिले हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर, है ना। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस बात को लेकर अपोज कर रहे थे कि अगर हम इस तरह से सैलरी दे देंगे तो हाउ वी विल सर्वाइव, है ना।
तो उसके लिए कंसेंट भी जो है रिपोर्ट करना था उन लोगों को। बट हेयर इट इज़ अ थिंग दैट एक ऑर्डिनेंस पास हो गया है फाइनली, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो उनकी 6 डेज की सैलरी जो है वो कटेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखिए हमारे नेक्स्ट ये एडिटोरियल सेक्शन की। तो हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल है आज एडिटोरियल सेक्शन का वो है रिलीजन एंड फ्रीडम। तो इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम एंड कम डाउन हैविली ऑन रिलीजियस वायलेंस। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि यूएस द्वारा USCIRF रिपोर्ट जो है कंडक्ट की जाती है। इस रिपोर्ट के तहत देश की जो स्थिति है उसे बताया जाता है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है USCIRF, वो एक रिपोर्ट पेश करता है हर साल, जिसके अंदर ये बताता है कि किस देश की रिलीजियस बेसिस पर क्या कंडीशन है, रिलीजियस बेसिस पर किस देश के अंदर जो है हिंसात्मक गतिविधियां हो रही है, या उस देश की आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक तौर पर को किसी भी लेवल पे प्रभावित कर रही है रिलीजियस कंसर्न्स, है ना। सो वही बात इस आर्टिकल में बताई गई है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस रिपोर्ट के तहत, इस रिपोर्ट के द्वारा ये शो किया गया कि इंडिया एक बहुत ही संवेदनशील एरिया है रिलीजियस एस्पेक्ट से। तो और अभी इस दौर में अगर हम ट्रूली अगर बात करें तो ऐसी कंडीशन हुई भी है, जैसा कि हमें कुछ पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि हम रिलीजियस बेसिस पर, हम पेंडेमिक से ज़्यादा जो है खतरनाक दौर हमारे यहाँ पे शुरू हो चुका था जो रिलीजियस बेसिस पे था। बट ठीक है, वो टच वुड वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है पोजीशन। बट स्टिल USCIRF की ये जो रिपोर्ट है इसे इंडिया ने बहुत ही कैजुअली लिया और उन उस पर जवाब देते हुए कहा कि इंडिया की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, वॉयलेंस और एग्रीवेटिंग जो गवर्नमेंटल मेजर्स है उसके बेसिस पिछले कुछ सालों के अंदर तो, या पिछले साल के तहत तो ये कहा गया सरकार द्वारा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और इसके इस बात पर उसे उसने यूएस की इस रिपोर्ट को अपोज भी किया। ठीक है, तो ये रिलीजन एंड फ्रीडम के बेसिस पर बात थी। इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट हिज फ्रीडम, इंडिया को अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना होगा एंड कम डाउन हेविली ऑन रिलीजियस वायलेंस। और जिस रिलीजियस, देखिए हमारी आज़ादी के तौर पे अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में हमारा नाम दर्ज होना बिल्कुल एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी छवि पर। हमारी छवि जो है विश्व स्तर पे एक नेगेटिव या डाउनफॉल कंडीशन में चली जाती है। तो इससे सुधार के लिए हमारे जो सरकार है, केंद्र सरकार को या हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको वर्क करना होगा इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, और जो रिलीजियस फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं हमारे यहाँ पे या रिलीजियस वायलेंस देखने को मिल रहा है उसे बहुत ज़्यादा स्तर पे कम करने की ज़रूरत है। बहुत हैवी जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो वी नीड टू रिड्यूस द केसेस एंड और वी नीड टू रिड्यूस द वायलेंस इन रिलीजियस एस्पेक्ट्स। ओके, सो ये आर्टिकल उससे बिलोंग करता है। अब हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ मॉडर्न पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स। क्या है ये, तो आपको बता देते हैं कि देखिए पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत हर जगह होती है और हमारी ज़रूरत है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट करें, है ना, क्योंकि वो इनजस्टिस के खिलाफ बढ़ चढ़ कर, इनजस्टिस के खिलाफ बोल्डली बोलने में सहायक होते हैं। पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स वो होते हैं जो पब्लिक के अंदर रहकर इंटेलेक्चुअली गवर्नमेंट के साथ में जो है डील करते हुए या हायर अथॉरिटीज़ से डील करते हुए, कंसर्न डिपार्टमेंट से डील करते हुए ओपनली बोल्ड लेवल पे जो पब्लिक इश्यूज है या इनजस्टिस जहाँ पर भी हो रहा है उसे बोलने का कार्य करते हैं या उसे उठा उन मुद्दों को उठाने का कार्य करते हैं। तो ये एक हमारी ज़रूरत है कि हम पब्लिक मॉडर्न पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को क्रिएट करें। पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जो है उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें और बिल्कुल उन्हें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए जहाँ पर भी वो बोलना चाहें, क्योंकि जहाँ वो बोलना चाहें वहाँ अगर इनजस्टिस के खिलाफ बोलते हैं तो इनजस्टिस की जो दर है हमारे देश में वो बिल्कुल कम हो सकती है। ठीक है,
तो इसकी ज़रूरत हमें देखने को मिल रही है, इसलिए ये एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो है नीरा मैम द्वारा लिखा गया है, तो डेफिनेटली आपको इसके थ्रू जाना चाहिए, तो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगी कुछ चीज़ें, है ना। नेक्स्ट है नीडेड अ पेंडेमिक पेटेंट पूल, दिस विल गिव ऑल कंट्रीज द, हमें पेटेंट पूल बनाना होगा पेंडेमिक से रिलेटेड, है ना, ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है। दिस विल गिव ऑल कंट्रीज द राइट टू इम्प्लीमेंट इनोवेशंस विदाउट फर्दर परमिशन फ्रॉम पेटेंट होल्डर्स। जो लोग पेटेंट होल्डर्स हैं उनसे जो है विदाउट परमिशन, हम अगर किसी इनोवेशन पर वर्क करना चाहते हैं इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं किसी इनोवेशन का, तो वो सारे देशों के लिए अभी एट प्रेजेंट आज की कंडीशन में बहुत अच्छा कदम होगा या बहुत इनोवेटिव कदम के रूप में सामने आएगा। क्यों? क्योंकि देश की ऐसी कंडीशन है कि कोई भी एट प्रेजेंट कोई परफेक्ट जो है वैक्सीनेशन या परफेक्ट हम कह सकते हैं इनोवेशन तक नहीं पहुंच पाया और ऐसे इनोवेशंस नहीं कर पाया है जिससे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, और देखने को मिले भी हैं तो वो टेम्प्रेरी हुए हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये शो हुआ है कि दोज इम्पैक्ट वर नॉट दैट मच रेलेवेंट। ओके, सो ये ज़रूरत है हमारी कि हम पेंडेमिक से रिलेटेड एक पेटेंट पूल को क्रिएट करें और उसके ऊपर ये हमारे लिए एक अच्छा, ये क्यों ऐसा क्यों माना गया है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बेसिस पर ये हम कह सकते हैं कि ये जो डे है ये 26 अप्रैल को आता है और इसे सेलिब्रेट नहीं किया गया था बिकॉज वी वर सफरिंग विथ पेंडेमिक, बट वन फॉर रिफ्लेक्शन एंड डेडिकेशन। ठीक है, ये डे जो है सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होता है, ये रिफ्लेक्शन और डेडिकेशन के लिए है कि आप खुद के रिफ्लेक्शन को देखिए, आप खुद के डेडिकेशन को देखिए और वो नज़र आता है आपके इनोवेशन से कि आपने कितना डेडिकेशन शो किया है और कितना जो है आपका आपका इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं आपके इनोवेशंस के अंदर। तो इस पेटेंट पूल की नीड है, इट इज़ नीडेड पेंडेमिक पेटेंट पूल की, तो इसके बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में। अब हम बात करेंगे बिडन्स बिड, ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए बन जाता है, ये यूएस से रिलेटेड है और न्यू इलेक्शन से रिलेटेड है। जो बिडन जो कि वी एंजॉय कर रहे हैं अपने आने वाले टाइम को, बट नहीं पता है कि आने वाला टाइम क्या लेकर आता है कंडीशंस, ये आर्टिकल आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा थेरेपी इज़ नो सिल्वर बुलेट। अब मैं आपको बता देती हूँ प्लाज्मा थेरेपी जो है उसको एक सिल्वर बुलेट कहा गया था। प्लाज्मा थेरेपी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब किसी रिकवर्ड पर्सन्स के जो प्लाज्मा होते हैं सेल्स होती हैं उनको एक अनकवर्ड पर्सन जो है या फिर इफेक्टेड कोरोना इफेक्टेड पर्सन जो है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो सके। जिसकी इम्यूनिटी लो है उसके अंदर इसे इंजेक्ट करने से उस पर्सन के अंदर उस तरह के सेल्स उत्पन्न हो जाते हैं जो कि उस वायरस से लड़ने के लिए क्षमता रखते हैं, है ना। तो इसी लिए इस थेरेपी को इन्वेंट किया गया था, लेकिन ये थेरेपी किसी भी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रही है या इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये थेरेपी जो है इस बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी हमारे लिए कोई सिल्वर बुलेट का कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। सो इट इज़ गुड टू फाइंड समथिंग न्यू, ओके। तो ये हमारा एक आर्टिकल था। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। ये रघुराम राजन जी हैं जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की या ऑनलाइन कन्वर्सेशन के थ्रू राहुल गांधी जी से बात कर रहे हैं। तो फॉर्मर जो आरबीआई गवर्नर है उनका ये कहना है कि अभी एट प्रेजेंट इस तरीके से इकोनॉमी को बंद करना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और अगर आपको जो है पॉजिटिवली अपने देश को आगे लेकर जाना है और इकोनॉमी को ग्रो करवाना है तो उसके लिए एक पॉजिटिव स्टेप ये होगा कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दें, है ना, और बिल्कुल मेजर्ड वे में और क्लेवर वे में आपको जो तरीके अपनाने होंगे, जो आपको वेज अपनाने होंगे, वेज और मीन्स, वो बिल्कुल क्लेवर्ड और मेजर्ड होने चाहिए जिससे कि पेंडेमिक के दौर से गुजरने में कोई प्रॉब्लम भी ना आए और इकोनॉमी अगेन अपने अच्छे लेवल पर आकर खड़ी हो जाए, ठीक है। उसके लिए गरीबों पर आपको 65,000 रुपीज़ स्पेंड करने की बात भी उन्होंने अपनी उस ऑनलाइन कन्वर्जेशन के अंदर कही है, और ये काफ़ी मीडिया में है बिकॉज ये आउट हुआ है, वीडियो लीक हुआ है, तो इसको लेकर ये जो है ये बात कही गई है। और उन्होंने कई सारे ऐसे आइडियाज़ दिए हैं जिससे कि इकोनॉमी को वापस अपने
पुनः जो है उस स्तर पर लेकर जाया जा सकता है जहाँ से हम लोग पैंडेमिक के दौर से पीछे हट चुके हैं। पैंडेमिक के कारण हम लोग उस जो है उस रेट को या उस दौर से बहुत पीछे आ चुके हैं। तो वापस उस स्तर पर जाने के लिए, उस इकोनॉमी को उस स्तर पर ले जाने के लिए वी नीड टू स्टार्ट आर इकोनॉमी, हमें इकोनॉमी को ओपन करना होगा, ऐसा रघुराम राजन जी का कहना है जो RBI के फॉर्मर गवर्नर हैं। और बिल्कुल मैं मुझे ये ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो है रघुराम राजन सर एक बहुत ही वैसी पर्सनालिटी हैं जो इकोनॉमी में किसी को बीट नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब सॉरी, इकोनॉमी के मामले में कोई उन्हें बीट नहीं कर सकता, सॉरी दैट वाज रॉन्गली इंटरप्रिटेड। तो उनको बीट करने के लिए वी नीड सम अदर यू नो पर्सनालिटीज़, और उस पर्सनालिटीज़ के अंदर भी वो कैपेबिलिटी नहीं है जो कि रघुराम राजन सर में। तो मुझे लगता है कि अगर उनके द्वारा ये बात कही गई है किसी भी लेवल पे, तो ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, इट्स नॉट ऑल अबाउट दी ये कोई बहुत मैं किसी और के व्यूज़ या कोई पार्टिकली या पॉलिटिकली उसके वे में नहीं बोल रही हूँ। इट्स जस्ट अ नॉर्मल एज अ ह्यूमन बींग वॉट आई कंसिडर्ड दैट रघुराम राजन सर, और बिकॉज इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ मैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है RBI के फॉर्मर गवर्नर जो हैं रघुराम राजन सर, उनका ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिकॉज वी कांट शट डाउन द इकोनॉमी फॉर मोर ओवर डेज, बिकॉज अब जो कंडीशन में हम आकर खड़े हो गए हैं हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लो डाउनफॉल होती चली जा रही है, और अगर इस कंडीशन में रहे तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर चली जाएगी। मतलब हमें बहुत टाइम लग जाएगा आने वाले इस वक्त में इस इकोनॉमी को जो है ऊपर उठाने के लिए। सो हमें कुछ मेजर्ड वे में, कुछ क्लेवर वे के अंदर इस इकोनॉमी को क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा, स्टार्ट करना होगा, ओपन करना होगा, हमें इकोनॉमी ओपन करनी होगी। और कुछ मेजर्ड और कुछ बिल्कुल कह सकते हैं मपे तुले से मापदंडों के बेसिस पर ही हमें इकोनॉमी को ओपन करना होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ठीक है, मोस्ट ऑफ द आई थिंक सारे आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि GI टैग मिला है। GI टैग जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड टैग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को जो है स्पेसिफाई करने के लिए। तो मणिपुर का जो ब्लैक राइस है वो GI टैग के अंदर आ गया है, GI टैग मिला है मणिपुर के ब्लैक राइस को। इसके अलावा गोरखपुर जो टेराकोटा है उसे भी GI टैग जो है सर्टिफाई कर GI टैग दे दिया गया है, मतलब GI टैग द्वारा सर्टिफाई कर दिया गया है। अब ये क्या है, क्यों किया गया है और कुछ डिटेल्स जो है वो इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के बेसिस पे ये फैक्ट्स बन जाते हैं कि मणिपुर का कौन सा क्षेत्र या ब्लैक राइस जो है वो कहाँ का जो है प्रोडक्ट है जिसे GI टैग दिया गया है, या गोरखपुर का कौन सा प्रोडक्ट जो है GI टैग की श्रेणी में आ गया है, तो उसके अंदर टेराकोटा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे आर्टिकल्स आज के, मैंने कोशिश की कि मैं मैक्सिमम लेवल पे सारे आर्टिकल्स को कवर करूं, जिससे कि आपके न्यूज़पेपर में आपको और कुछ जो है रीच करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। जो आर्टिकल्स मैंने कवर किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैक्सिमम लेवल पे आर्टिकल्स को कवर किया गया है। सो ट्राई टू गो ओवर ऑल दीज आर्टिकल्स, आप फिर से एक बार सारे आर्टिकल्स को पढ़िए, समझिए और देखने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए, आर्टिकल्स को पढ़िए, और जैसा मैंने आपसे जो मैंने आपसे मैं जो मैंने डिलीवर किया है या जो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा डिलीवर की गई है उसे जो है कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए उस आर्टिकल से, ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी बहुत ईजीली। तो थैंक्स फॉर बींग विथ मी, दिस वॉज आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आई एस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।